जी आया नूं एक बार फिर सारे की इस बैठक ने विच खुश आमदेद तुसा तकने भी साड़ी बैठक तकबीर टीवी नहीं स्पेशल बैठक तुसा लोगों से जो पहाड़ी जबान की समझने हो जानने हो या बोलने हो असं अज गल करने पे आज़ाद कश्मीर की इसलिए मौजूदा जी सूरत हाल है उसने ऊपर कि क्या हो रहा आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तरफ उसके आया जाना अदालती बुरहान है एक तरफ आया जाना नहीं है अगर है तो क्यों है अगर है तो उसका हल क्या है इस मौजू पर अस गल कर इंशाल्लाह अज़ीज़ इस मौजू की कंटिन्यू कर लेकिन इसल आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी शख्सियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सदर और साबिक वजीर आजम जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब सा इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उन्होंने गल कर अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब सरदार साहब सबसे सब तो पहले तो मैं शुक्र गुजार हाँ कि तुम्हारी बैठक के अज टाइम कटे अपनी मसरूफियात के सरदार साहब असा इसलिए गुफ्तगू करने पे जो आज़ाद कश्मीर इसल मौजूदा सूरत हाल है बस जगह उसके आया जाना कि अदालती बुरहान है बस जगह उसके आया जाना कि बुरहान नहीं है सिर्फ एक जो हुक्मरान नाइल ही है सब तो पहले तो मैं थोड़े को यह जानना चाहता कि तुसा नहीं हुकूमत है तुसा नहीं जमात नहीं हुकूमत है तो फिर सदर तो वजीर आजम ने भी इख्तलाफ किए पैदा होया गुजारिश है सुल्तानी साहब के आजाद कश्मीर अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई क्यों पैदा हो गई किस तरह पैदा हो गई उसका तजिया कर अगर आज ही कोई हालात बेहतर हो सकन तो फिर तो मैं सारी तफसील तुम्हें दसा जाना तो उन्होंने सामीन उसने व्यूअर दसा जाना लेकिन सही सूरत है कि मैं जो कुछ होना चाहिए हो गया हूं असा देखना यह है कि जिस स्टेज से खलोते हैं इतों अगर किस तरह जाइए असा तो सारे सुने तो देखने आने की बड़ा तगड़ा टीवी ने नेटवर्क है इन्हें सारे लोगों की एक गल क्या कि मायूस तो करना चाहने परेशान नहीं करना चाहने कि पीछे कहानियां सुनाई है लेकिन यह मैं दस्त कहना चाहना कि यह गल हो गई एक हादसा हो गया एक वाका हो गया और सारी दुनिया के अंदर ऐसे वाकत हो जाने हूँ असा बड़ा चैलेंज आ कि असा इस सारी गल की समेटिए किस तरह इस सारी गल संभालिए किस तरह असा पूरी कोशिश है कि आजाद कश्मीर ने वजीर आजम साहब भी और सदर साहब भी और हुकूमत पाकिस्तान भी है मेरा भी छोटा मोटा जो हिस्सा है असि सारे रल मिलकर बाकी अपोजिशन जमात हैं जिनकी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है सारे रली मिल गया तो इसकी इंशाला ठीक करने की कोशिश करना सरदार साहब जिस तरह बाकी जी जमात ही गल आ रही है भी कि यह जी ना हुक्मराने ने ना ली है अगर इसलिए जरा बेशुमार लोग गल आने जी कि सीन काफ जी है वह इसलिए फिर एक अपने सिलसिले भी दोबारा शुरू हो गई है मीरपने विच सीन की तरफों भी एहतजाज होया उन्होंने आखी च रियाज अख्तर साहब ने आखी च काफनी तरफों जनाब सॉरी मंजूर गिलानी साहब ने आखी दूसरा जरा काफनी तरफों भी इस तरह एहतजाज होया इस तरह का हल क्या हो सकता उसने क्योंकि दोनों तरफ तुमने जमात ने भी चीज आया जी जी देखो सुल्तानी साहब ये जमात का मामला नहीं है पहली गल तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक अदालती बहरान होया तो उसी तरह देखा कि तमाम जमात जो पार्लीमेंट के अंदर सिया जी नहीं सन जी सैनेट के अंदर सन जी नहीं सन जड़िया हुकूमत के अंदर या बाहर हैं तमाम या तमाम जमात और सिविल सोसायटी अपना रोल अदा किया दूसरी जो मुजाहरे की गल है वो है कि जो वकला बरादरी है ताजर बरादरी है और प्रेस के लोग हैं इन सारे लोगों को किसी प्रेस क्लब या किसी बार एसोसिएशन या बार कौंसल जमात ने नुकता नजर नहीं देखना चाहिए बहुत पढ़े लिखा और बड़ा मौसर जो तबकात हैं साढ़े मुल्क ने उन्हें जो वकला तबका शरीक होना ये अगर दस आदमी होवन हो सकना कि उन्हें दसा नहीं रहा एक दूसरे तो मुख्तलिफ हो इस वास्ते किसी जगह लोगों ने एक फैसले की हमायत की है किसी जगह दूसरे फैसले की हमायत की है जी। और मैं खुद भी जाती तौर पर इस गल ऊपर बहुत वाजे मौकफ लिया मैं इतने नहीं सा मैं उम्र ऊपर सा राजा जुलकरनैन साहब मुल्क तो बाहर सन एक फैसला जो हो इतफाक वजीर आजम साहब न साढ़े मशवरा करना सारे बैठने का मौका नहीं मिला कि शायद जल्दी उन्होंने फैसला करना पै गया तो मैं अखबार के जरिए भी इस फैसले के बारे में अपनी राय जी दी थी वो ये थी कि आजाद कश्मीर एक चंगा भला एक काम चल रहा है तो उसी मजीद इसलिए ऐसे इकदाम करके जिन्हें इसलाह तो पता नहीं हो सी कि ना हो सी लेकिन अफरा तफरी नहीं पैदा करनी चाहिए तो मैं अपनी राय भी दी है लेकिन असा उस तो बाद बयानबाजी नहीं की इस वास्ते कि मेरी जी भी राय है तुम्हारी जी भी राय है सारी जिम्मेदारी है कि अस सारे अपनी अपनी राय एक पासे रखा और इस मुल्क ने गरीब लोगों को परेशान ना करना एक परेशानी जो निकल रहा है दूसरी परेशानी जो निकल रहा है तीसरी परेशानी को अच्छी खबर उन्होंने सुनाई है इस वास्ते सारी कोशिश यह है कि असर रली मिली के इन मामला की हल करिए हूं जी सूरत है वो है कि हूं असा सारे ने इस गल पर इतफाक है कि पाकिस्तान ने वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब जो कि चेयरमैन भी कश्मीर काउंसिल है
और आजाद कश्मीर ने आई नहीं बड़ी अथॉरिटी है वो जो फैसला कर और सारे की मंजूर होना चाहिए जी बिल्कुल सदा साहब जिस तरह माजी ने विच तुसानी हुकूमत सी उसकी गिराया गया मुड़ी फिर नवी हुकूमत बनाई गई फिर वापस तुसानी हुकूमत आई उसने विच लोगों आखना सा कि जी वफाकी गौरमेंट ना जो बड़ा हाथ है उसी च तो तुसा क्या समझो इस सारे वाकई ने विच वफाकी गौरमेंट ना को हाथ है नहीं ये बोरान था इस बोरान में आगाज आजाद कश्मीर तो हो गया जी वफाकी हुकूमत ना वफाकी हुकूमत ने पहली मरतबा काफी अरसे तो बाद मैंने लोगों ने नीयत बारे नहीं पता दिलों ने बारे नहीं पता कि लोगों ने दिल अंदर कोई अच्छा बुरा है लेकिन जी गल मैं पता लगी है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने सदर आजाद कश्मीर वजीर आजम आजाद कश्मीर मैं त्रिया कहा कि असं किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं मंजूर मंजूर भट्टो साहब वजीर उमूर कश्मीर हैं उन्होंने गल कही असा सारे बिठा के कि भाई हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करना चाहनी और असा की ख्वाहिश है कि तुम सारे लोग अपने मामलात और मसायल खुद अपने तौर पर बैठ के हल करो इस वास्ते मैं समझना जी के जाहिर है कि जी गल तुम तो मैं कर रहा एक दूसरे से इतमाद कर रहा हूँ इसे तुमने दिल मेरे बारे की या मेरे दिल तुमने बारे की इसे बारे से नहीं पता लग सकना इसने सूरत यह है कि हुकूमत पाकिस्तान बजायर कोई मुदाखलत क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे इस वास्ते मैं सू गल इतमाद करना चाहिए सदा साहब सारे जो नाजरीन इसलिए तकने पे या जो सुनने पे उनकी तुम क्या पैगाम देना चाहो इस जरा यह सारा बुरहान है इसने हवाले जी उनकी खबर मिलनी पी बस नैगेटिव मिली बस पॉजिटिव मिली उनकी तुम क्या पैगाम देना चाहो कि इस ना हल करने पे या किस तरह पैगाम देना चाहो तुम देखो देखो सुल्तानी साहब एक गल लोगों तुमने जितने देखे सुने वाले लोग उनकी पहले भी पता है सड़े को बहुत समझदार लोग ने देखे सुनने वाले और उन्हीं मैं कहना चाहना कि असा अल्लाह पाक ने फजल करना यूरोप बैठे हो इंग्लैंड बैठे हो जी मिसाल असा आजाद कश्मीर कायम की है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद हो जिन्हें साहब मेरे से अदम एतमाद किया मैं मुड़ के उन्होंने एतमाद करके उन्होंने वजीर आजम बनाया एक कम यूरोप की तारीख के अंदर 200-250 साल ही हो तो अगले 100 साल ही मुश्किल हो इस वास्ते मैं समझना कि गल कहना मतलब कारनामा दसना नहीं है इस वास्ते कह रहा कि लोगों को यकीन होना चाहिए ना कि असा अपने आप को तकलीफ पहुंचा देसा अपने आप को किसी मुश्किल ही पासा लेकिन लोगों को किसी अजियत नहीं पाने लोगों को किसी मुश्किल नहीं पाने असा की पूरी कोशिश हो सी कि जल्द अज जल्द लोगों को अच्छी खबर दी है और ज्यादा इम्कान यह है कि जोड़ा फैसला एक एक जज ने आके या दूसरे जज ने आके या दोहों ने आके या दोहों ने खिलाफ जी गल भी हुकूमत पाकिस्तान करे चेयरमैन कश्मीर कौंसल करन जे वजीर आजम पाकिस्तान भी है वो असा सारे की मननी चाहिए और मजीद बोरान नहीं पैदा करना चाहिए लोगों की तकलीफ नहीं देने लगे इंशाला असा बार बार इस मसले की हल करसा और इसकी ठीक करसा और तुमने देखने सुनने सारे ने शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बड़े बेचैन रहे परेशान रहे और जगह जगह तो लोग टेलीफोन कर रहे हैं मालूम कर रहे हैं जी हूं असा इस स्टेज पर इंशाला इस मसले की असा करीब कि नहीं खड़े है पहुंचाई सटे इंशाला और इसी अल्लाह ने चाहे तो असा इसी अगले हफ्ते अशरे ने अंदर उनको महीने ने हिसाब नहीं चलना ये काम बस अगले दिन हफ्ते ने हिसाब चल रहा है और 5-10 दिन ने अंदर 15 दिन ने अंदर इस वगैरह नहीं जा सकते इंशाला ठीक हाल हुई जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदा साहब तुम अपना कीमती वक्त जरा कटिया सारी इस तकबीर टीवी ने निशात है इस सारी बैठक है बहुत शुक्र गुजार हूँ सुनो जनाब सुल्तानी साहब चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की बड़ी सियासी जमात है और तुम जो सवाल किया उन्होंने को और मैं सदारती साहब शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मेरी इस गल की तायद की कि मंजूर गिलानी साहब चूंकि दूर देश आदमी और उस मामले काफ़ी मैं चूंकि पहली गुफ्तगू की 10-15 मिनट पहले कि गवर्नमेंट पाकिस्तान तो जो दे रही है उस मसले हल कर रही है लेकिन तुसा अंदाजा किया कि सरदार रतीक साहब इस मसले का कोई खुद हल नहीं दस सके कि इस तरह बेहतर हल के है हूँ चूंकि आजाद कश्मीर ने तमाम सियासी जमातें नज़र हुकूमत पाकिस्तान पर है